1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, तो लाजमी है जब हम राह पकड़ चुके हैं तो एक नंबर, दो नंबर और उसके बाद अब तीन नंबर बातें वही घूम फिर के पहुंच जा रही है। क्योंकि आज का जो दौर है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर निगम में छाया हुआ है, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बन चुकी है। अब इसके पीछे वजह जनता के प्रति जिम्मेवारी है, जवाबदेही है या फिर कुछ और, कहना मुश्किल है। लेकिन इन सबसे इतर 1000 दिन पूरे हो चुके हैं शकुंतला जी, और आप बड़ा उदास और मायूस लग रही हैं। 1000 दिन पूरे होने के बहुत बहुत बधाई है, लेकिन क्या लगता है कि 1000 दिन पूरे हो चुके तो जो उम्मीद है वो उपलब्धियों की ओर बढ़ रही है? क्या उपलब्धियां जो है वो पा रही हैं? शकुंतला देवी वार्ड नंबर 3 की वार्ड पार्षद, इनका कहना है 1000, सचमुच है कि 1000 दिन पार हो गया है, लेकिन हम लोग को ग्रामीण से नया क्षेत्र निगम में जुड़े हैं तो विकास की ओर तो बढ़ रहा है। अब एकाएक तो संभव नहीं है कि हो जाए तुरंत, सरकार की जैसे जैसे योजनाएं आ रही है वैसे हम लोग तक पहुंच रही है और जनता लोग को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं कि पहुंचाए। और रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी DPR में जाने के लिए फाइल जो कम्प्लीट हुआ है उस पर साइन वाइन हो गया है, कुछ भेज रहे हैं और कुछ कार्य में लगे हुए हैं कि आजकल में हो सक कि मतलब कंप्लीट हो जाए, उसको जो पेपर जनता लोग कंप्लीट करके दिया है उसको भेज दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा फोकस है, इस बात से क्या शकुंतला देवी इनकार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे नहीं लिए जाते हैं? तो हम लोग तो किसी से पैसा नहीं लिए हैं। आप नहीं ले रही है इसका मतलब कोई भी नहीं, चाहे फोटो खींचने के नाम पर या फिर जियो टैगिंग के नाम पर, क्या पैसे नहीं लिए जाते हैं? आप इस बात से इनकार कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं, अभी हम लोग का काम हो रहा है। अभी तक आपके यहाँ कोई भी आवास नहीं निकला है? नहीं निकला है, अगला DPR में भी आएगा, अभी भी जा रहा है। कई ऐसे अभी भी वर्क ऑर्डर 3 आपके आए हैं, क्या तीनों लाभुकों को आपने जानकारी दी है कि आप वर्क ऑर्डर ले आइए, एग्रीमेंट कराइए? हाँ जी हाँ दिए हैं, दिए हैं। हालांकि हमारी पड़ताल में ये बातें सामने नहीं आई हैं कि शकुंतला जी ने उन्हें सूचना दी है, ये सूचना हमारे माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई है क्योंकि जहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन इन सबसे इतर क्या लगता है कि 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, अब क्या करने की जरूरत है? क्या लगता है कि जो आपका जो वार्ड नंबर 3 का क्षेत्र है उसमें करने की जरूरत है? हम लोग को वार्ड नंबर 3 के क्षेत्र करने की जरूरत है, वो काम हो रहा है। और अभी भी रही बात की आवास के लेके, तो जो लाभुक फाइल कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों को DPR में भी जा रहा है। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम आपकी गली की बात करें जहाँ आपका आवास है, उस गली में अगर जाते हैं तो हमें एहसास ही नहीं हो पाता है कि ये पार्षद का गली है, क्योंकि जिस तरह से गंदगी दिखाई पड़ती है, क्यों आखिरकार ऐसा हो पाता है? देखिए सफाई के लिए हम लोग में भी कर्मचारी तो यहाँ से मिला है, सफाई कर्मी करते हैं, उतना मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। और रही बात ग्रामीण का है तो अभी उन लोग धीरे धीरे ही सुधरेगा, अपनों लोगों को भी गलती है कि गाय बैल मवेशी सब रोड पर बांध रहा है, तो सरकारी मतलब सड़क तो है लेकिन उन लोग खुद अपना समझ के रोड पर ही यूज कर रहा है, साफ करने वाला ही कितना करेगा, तो थोड़े ना संभव है कि तुरंत साफ ही रहेगा। तो यही तो हमारा सवाल है कि सड़क नली गली सब, इससे इतर भी जागरूकता भी, जनता को जागरूक करना भी आपकी जवाबदेही है, कितना समय दे पाती हैं आप? क्योंकि ये तो आमतौर पर सब कोई जानता है कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि सामने आते नहीं। नहीं चुनाव के बाद हर कोई, हर जनता जानता है कि जनप्रतिनिधि कैसे नहीं है, आती है या नहीं। सबको सुझाव देना, समय देना मेरा कर्तव्य है, अब करते भी हैं, लेकिन उन लोग साथ भी लाचार है, मजबूरी है कि जगह जमीन कम है इसके वजह से रोड पर रख ले, अब एकाएक नहीं संभव है कि उन लोग हटा दे, धीरे धीरे तो कर रहा है और लोगों में जागरूकता आ रहा है कि हम ये करें, ये सब जानते जानते ही जानेगा, एकाएक नहीं संभव है। जो इतना पिछड़ल है हमारा देश इंडिया, अब अचानक थोड़ी बदल जाएगा कि अब ये देश इंडिया को छोड़ दीजिए, हम नगर निगम पे आपके वार्ड नंबर 3 पर ही आते हैं। आपके यहाँ जोन अध्यक्ष भी हैं,
जोन अध्यक्ष का कितना साथ मिल पाता है? जितना हम लोग का सहयोग देना रहता देते हैं जोन अध्यक्ष जी, वो भी हम लोग को हर समय हर जगह पर ये करते हैं कि क्या करना है, क्या होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सलाह देते हैं। मेयर, डिप्टी मेयर उन कितने सुलभ हैं आपके लिए, जब जनता की काम करने के लिए अगर जब जरूरत पड़ता है तो वो आपसे मिल पाते हैं? हाँ, हम लोग जब मिलने गए हैं जरूरत पड़ता है तो हर समय मिल पाती हैं, और फोन करते हैं तो रिसीव करते, बात होता है कि हाँ आइए यहाँ, अभी समय नहीं है, तो घर डेरा पर रहती हैं तब वो यहाँ आते हैं निगम में, तब वो बात होता है, समय देती है, मिल लेते हैं। आपके यहाँ जैसे कि बातें चल रही है कि नगर को सौंदर्यीकरण, नगर को सुंदर बनाने का, स्वच्छ बनाने का, उसके लेकर के आपके यहाँ कोई ऐसी योजना जो आप चाहती हैं कि वो हो, या उसके लिए कोई पहल दिखाई पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर इलाके को एक पार्क की ज़रूरत, एक चिल्ड्रेन पार्क की ज़रूरत, एक ऐसे सुंदर जगह की ज़रूरत पड़ती है जहाँ लोग घूम सकें, बैठ सकें। क्या नगर को डेवलप करने की दिशा में ऐसा कोई आपका कोई आपने कोई खाका तैयार किया है? हमारे एरिया में पार्क के लिए अभी खाका नहीं तैयार किए हैं, अभी तक सोचा नहीं है। नहीं, सड़क, नली, गली, साफ सफाई, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन इसी में है जी, इसी में है। और उसके अलावा पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, इस तरह की कोई अभियान? हाँ, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। अब रही बात, हमारे वार्ड में एक ये है, बस स्टैंड की बात उठाए थे तो उनमें भी कमी है कि सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है, इसकी वजह से वहाँ जाने में भी तो दिक्कत है। यही बात लेकर हम लोग ये हुआ, अब पहले इसमें लगे हैं कि सड़क को चौड़ीकरण करवा ले, इसके बाद ही आगे का सोचे। बच्चे भविष्य हैं हमारे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कोई ऐसा कोई काम, कुछ ऐसा खास? क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो सरकारी फंड आता है वो तो ठीक है, वो तो काम होता है समय पर, जैसे अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि मिल के करते हैं, लेकिन उससे इतर भी कुछ काम है आपके यहाँ? बच्चे भविष्य, बच्चे के लिए तो अभी हर कोई चाहवे करता है कि करे करे मतलब, लेकिन बच्चे लोग के लिए खेलने वाले जो पार्किंग ये सब चीज़ के लिए बोले ना, प्रयास करते हैं कि जगह हम लोग भी कहीं इकट्ठा करके दें, उसमें भी पार्किंग करवाएं। आपने सुना, आपके साथ हमारे साथ बात कर रही थी वार्ड नंबर 3 की पार्षद शकुंतला देवी। बातों में एक और सवाल याद आया, जब हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे, मुन्ना जी कौन है? मुन्ना जी मेरे पति हैं। लोगों का ये कहना था कि मुन्ना जी खास खास लोगों के यहाँ जाते हैं और वैसे जरूरतमंद जिनको जरूरत होती है उनके यहाँ नहीं जाते हैं, तो आप ज़्यादा घूमती हैं या मुन्ना जी ज़्यादा घूमते हैं? देखिए, वैसा नहीं बात है कि वो ही घूमते हैं या हम भी नहीं घूमते, दोनों आदमी घूमते हैं। अब रही बात, तो हम महिला हैं, अगर हम घर पे अकेले हैं तो हमको थोड़ा दूर जाने के लिए तो उनको लेके ही जाएंगे, अकेले तो। आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो महिलाओं को मौका दिया गया चुनाव लड़ने का, वो क्या पूरा हो पाया? क्या आप उतना नाम कमा पाई 1000 दिन में जिससे पूरे वार्ड की जनता आपका नाम जाने? जी, इसमें कोई कहीं कटौती नहीं है कि मेरा नाम महिला लोग नहीं या पूरे जनता नहीं जाने, इसमें नहीं है, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं और होना भी चाहिए।